हेलो फ्रेंड्स, इन गर्मियों में आप बेल के शरबत पिएं। इसके इतना ठंडा कोई भी शरबत नहीं है और ये पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन सी की मात्रा होती है और इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है। ये कब्ज वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप इसे रोज़ सुबह खाली पेट में या दोपहर में इसके शरबत बनाकर ज़रूर पिए और इससे लू भी नहीं लगती है। लू में बचाने का काम करता है ये। तो इसका शरबत हम बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो हम इसके पल्प को निकाल लेंगे और इसके बीज को आप निकाल सके तो निकाल लें, वरना आप जब उसे हाथ से ऐसे मसलेंगे तो ये अपने आप निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर एक गिलास चिल्ड वाटर डाल रहे हैं, यानी कि ठंडा पानी। और मैं यहाँ पर गुड़ ली हूँ, आप चाहें तो ताल मिश्री ले सकते हैं, मगर चीनी मत लीजिएगा। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे, हाथ से मिला लें या आप इस घोटने से मिला लें। और जितने सारे बीज हैं उसे हम अच्छे से छान लेंगे। तो ये अच्छे से मिल चुका है, अब हम इसे छन्नी से छान लेते हैं। तो हमने छन्नी से छान लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और गाढ़ी शरबत बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे ग्लास में थोड़ा सा बर्फ डालेंगे और फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। आप एक बार ऐसे बनाकर पीकर देखो, बहुत ही आपको पसंद आएगा।